नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। ट्रैफिक पुलिस का टॉइंग घोटाला, भारतीय जनता पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में आम आदमी, जिसमें विशेषकर मध्यम वर्गीय परिवारों को मिलने वाली छोटी मोटी सुविधाओं का भी अभाव है और ऊपर से प्रशासन द्वारा लोगों से दंड वसूली की जाकर मध्यम वर्गीय परिवार पर बड़ा आर्थिक बोझ डाला जाता है। इसी कड़ी में मनपा अंतर्गत बाइक की पार्किंग पर ट्रैफिक होने की आड़ में प्रतिदिन सैकड़ों बाइक को उठाया जाकर उनसे 700 रूपये प्रति बाइक फाइन वसूली किया जाता है, जो एक बड़ा टॉइंग घोटाला है। इसी विषय पर सेफ न्यूज लाइव ने पिछले दिनों अलग अलग दो खबरों के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद की थी और इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया था। यह टॉइंग घोटाला मुद्दा आज और बड़ा मुद्दा तब बन गया जब आज भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई ने मनपा में पार्किंग जोन नहीं होने और मनपा के लिखित निवेदन के आधार पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा शुरू की गई टॉइंग और दंड वसूली के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन वसई महानगर पालिका प्रभाग समिति एच नवगर मणिपुर कार्यालय के बाहर किया। इस प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए और विरोध प्रदर्शन करते हुए मनपा से पार्किंग जोन जाहिर करने और लगातार की जा रही वाहनों की टॉइंग पर अंकुश लगाने की मांग रखी। जल्द ही इस मामले पर समुचित कार्रवाई नहीं होने की सूरत में फिर से रास्ते पर उतरकर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। ज्ञात हो सेफ न्यूज लाइव ने पिछले दिनों दो खबरें चलाई थी। एक खबर में एक वरिष्ठ नागरिक जिनको एक महीने में दो बार टोइंग के दंड का शिकार होकर 1700 रूपये भरना पड़ा था, उनकी जुबानी सुनाई थी। वहीं दूसरी खबर में प्रभाग समिति एस के कार्य क्षेत्र में अंबाली रोड से पंचवटी नाका के बीच में बिना परमिशन की रीसेल के लिए रखी चार पहिया वाहन की स्थिति दिखाई थी। आज के आंदोलन में भाजपा के वसई शहर अध्यक्ष ने भी इस मुद्दे को मीडिया के सामने उठाया। वीडियो में आगे सुनिए भाजपा पदाधिकारियों के बयान। संपूर्ण महापालिका क्षेत्रामध्ये आपण बघितलं असेल तर महापालिकेचा कुठलाही अधिकृत वाहनतळ नाही। महापालिकेने कुठलंही पार्किंग नो पार्किंग झोन अधिकृतरित्या तयार केलेले नाहीत आणि तरीसुद्धा गेली दोन वर्ष महापालिकेच्या सूचनेनुसार ट्राफिक जे पुलिस आहेत ते टोईंगचा ठेका दिलेला आहे आणि कुठेही रस्त्यावरती कुठल्याही बाजूला गाडी लागली की हे टोईंगवाले येऊन ती गाडी उचलून घेऊन जातात, त्याला 700 रुपये फाईन करतात, एखादा कोणी ओळखीचा असेल तर त्याला किमान 200 रुपये भरायला लावतात। हे जे काही टोईंगचं जे काही घोटाळा सुरू आहे, ज्या पद्धतीने लूटमार सुरू आहे, ही तातडीने बंद व्हावी यासाठी भारतीय जनता पार्टीने आज या ठिकाणी नवघर माणिकपूरचे अध्यक्ष महेश सरवणकर यांच्या पुढाकाराने हा इशारा महापालिका प्रशासनाला देण्यासाठी आंदोलन केलेलं आहे आणि भविष्यामध्ये महापालिकेने हे ज्या काही सूचना ट्रॅफिक पोलिसांना दिलेल्या आहेत त्या सूचना मागे घेतल्या नाहीत तर संपूर्ण वसई विरार शहरामध्ये या लोकांचा प्रश्न घेऊन आम्ही रस्त्यावरती उतरू, आंदोलन करू हा इशारा देण्यासाठी आज नवघर माणिकपूर कार्यालयासमोर आमची निदर्शनं होती आणि महापालिका प्रशासनाला तसं आम्ही लेखी निवेदन दिलेलं आहे। कोण घेत आहे आणि लोकांना काय भूर्दंड पडतो? ठेका कोणाचा आहे तो आम्हाला त्याच्याशी देणं घेणं नाही। वसई विरार महापालिका क्षेत्रामध्ये पार्किंगचं वसई विरार महापालिकेचं धोरण निश्चित नाही, पार्किंग झोन उपलब्ध नाही। मग पार्किंग झोन नसताना नो पार्किंगचे बोर्ड लावायचे जागे जागेवर आणि आपल्याला हवा तसा गाड्या उचलायच्या आणि 700 रुपये दंड वसूल करायचा, हे जे चालू आहे याच्या विरोधात आमचं हे आंदोलन आहे। आणि अंबाडी रोड माणिकपूर पोलीस स्टेशनपासून अंबाडी रोड पंचवटीपर्यंत ज्या पूर्ण रस्त्यावर रिसेल गाड्यावाल्यांनी जो काय तिकडचा बाजार मांडलाय त्याच्यावर हे लोक कारवाई करत नाही, त्यांचे फोटो का काढत नाही? आमची गाडी सफेद पट्ट्याच्या आतमध्ये असेल तरी फोटो काढला जातो, रिक्षाला त्रास होतो म्हणून सांगितला जातो आणि 1500 ते 2000 रुपये फाईन घेतला जातो। एखादा माणूस 5 मिनिटासाठी दुकानात गेला, झेरॉक्स काढायला गेला, 7 रुपयाच्या झेरॉक्ससाठी 700 रुपये दंड करायला लागतो त्यांना। हा या हा जो मुद्दा आहे या मुद्द्याला आमचा विरोध आहे की आणि आमची अशी मागणी आहे की जोपर्यंत महापालिका पार्किंग झोन डिक्लेअर करत नाही तोपर्यंत महापालिकेने टोईंग बंद करावं। अभी के लिए इतना ही। इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट में दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।